हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले कि साबूदाना कैसे बनता है। तो इंडिया में ये साबूदाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और फास्टिंग के टाइम में लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो साबूदाना जो बनता है वो बनता है एक पेड़ के रूट से। जी हाँ दोस्तों, इस पेड़ का नाम है टैपियोको। सो ये टैपियोको प्लांट जो है, इनके जो रूट्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं और उनके रूट से जो क्रश करने के बाद जूस निकलता है या मिल्क निकलता है उनसे बनता है। तो इंडिया में ये पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। तो इनकी सारी फैक्ट्रीज जो है वो इसी इन्हीं स्टेट्स में है। तो यहीं पे ही वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रोसेस क्या है, तो साबूदाना आखिर बनता कैसे। तो पहले तो इनकी जहाँ पे खेती रहे होती है, जहाँ पे इनका कल्टीवेशन होता है, यहाँ से इन्हें तोड़ा जाता है इनके रूट्स को, फिर इन्हें वॉश करके पहली स्टेप में भेजा जाता है फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में भेजने के बाद जो पहली स्टेप रहती है वो रहता है कि इन्हें इनकी ऊपर की जो खाल रहती है, जो स्किन रहती है, वो निकाल दी जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं इनकी अब खाल निकल चुकी है और इनको फिर से एक बार वॉश किया जा रहा है। तो ये वॉश करने के बाद अब इनको क्रश किया जाएगा। जी हाँ, तो साबूदाना जो है वो क्रश किया जाता है और फाइनली क्रश करने के बाद इसका जो जूस निकलता है उसे एक अलग से टैंक में स्टोर किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है। तो साबूदाना जो रहता है उसमें मेनली स्टार्च रहता है। तो स्टार्च जो रहता है वो बॉडी में बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इसीलिए साबूदाना खाने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसीलिए वो फास्ट के टाइम खाया जाता है कि अगर आप बाकी कुछ नहीं खा रहे दैट स्टिल साबूदाना खा के आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रश साबूदाना हो रहा है और यहाँ से जो मिल्क है वो सेपरेट किया जा रहा है और इसे फिल्टर करने के बाद इसे स्टोर किया गया हुआ है टैंक में। और टैंक में स्टोर करने के बाद मैकेनिज्म जो आगे का ये है कि जब हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाते हैं और जो पानी है जो थिन पार्टिकल्स है, आई मीन वाटर का जो लेवल है वो ऊपर रह जाएगा। तो इससे होगा ये कि हमें ऊपर का अगर हम पानी निकाल देते हैं तो जो नीचे का हमें थिक जो सब्सटेंस मिलता है वो प्योर स्टार्च रहता है। तो यही यहाँ पे वही किया जा रहा है, स्टोर करके बहुत देर तक इसे स्टिल रखा जाता है एंड ऊपर का जो पानी रहता है वो निकाल के जो नीचे बचा हुआ पूरा प्योर स्टार्च है वो अच्छे से इकट्ठा किया जाता है। तो आगे जाके इसी जो स्टार्च है इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो अभी तक तो ये स्टार्च के पार्टिकल्स है, तो यही स्टार्च के पार्टिकल्स जो है वो फिर से अभी एक दूसरे मशीन में जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये मशीन वो काम करती है कि इन पार्टिकल्स का जो सब्सटेंस है स्टार्च का उनसे छोटे छोटे साबुदाना के बॉल्स होते हैं वो क्रिएट करने का। तो ये वो मशीन है वो जो मैजिक करती है फ्रॉम पार्टिकल्स टू स्मॉल बॉल्स ऑफ साबुदाना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यू नो द प्रोसेस ऑफ साबुदाना मेकिंग हैज़ बिन एक्सप्लेन। एंड इसके बाद फिर आपको साबूदाना आप तक पहुंचाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें बताइएगा कि आपको ये प्रोसेस जो अभी एक्सप्लेन किया वो कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। कोई सजेशन देनी है, कुछ और बताना चाहते हैं आप लोग तो प्लीज़ बताइए कमेंट में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन्फिनिटी।